हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक अपडेटिंग आई है, यूएमटी का क्यूसी फार वर्जन 5.9। तो इसमें दो अपडेटिंग, बहुत अच्छी अपडेटिंग दी है इसमें। एक तो नोकिया का अपडेट दिया है, जो कि अगर आप कोई नोकिया का फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो उस टाइम आप सेट को फॉर्मेट कर सकते हैं और FRP रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको उसका कोई यूजर डाटा डिलीट करना है, यानी कि इसमें पिन पासवर्ड डिलीट करना है, हटाना है, तो उसे सेव फॉर्मेट ऑन फ्लैश और FRP को भी यहाँ पर फ्लैश के टाइम अनलॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी टूल आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है फ्लैश के टाइम FRP अनलॉक करने का। तो यहाँ पर फ्लैश के टाइम रीसेट FRP पर टिक लगा के फ्लैश कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें हम सेकेंड अपडेटिंग की, तो वो है फर्मवेयर। यहाँ पर देख सकते हैं फर्मवेयर एग्जिटर। तो यहाँ पर क्या है कि जो ओप्पो का फाइल होता है, ओप्पो और रियलमी का OFP, इस फाइल को पहले जैसे कि दो बॉक्स आते हैं EMMC के लिए अच्छे बॉक्स, जो कि UFI और EasyJet, तो उसमें ही इस फाइल को निकाला जा सकता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर मेरिकल के टूल में किया जा सकता है। मगर मेरिकल के टूल में कुछ फाइलें नहीं निकल पाती हैं, उसमें एरर आ जाता है। तो यहाँ पर अब एक ऑप्शन ऐड कर दिया है UMT टीम ने कि OFP फाइल को भी आप निकाल सकते हैं, उसमें जितनी भी फाइलें उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, तो इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है, तो यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फाइल सेव कर रखी है, उस फाइल को चूज कर लेना है और ये आ गया। अब उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है, अब ये यहाँ पर फाइल निकल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल निकलनी शुरू हो गई है। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये फाइल निकल के जा कहाँ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी यूजर और GSM राकेश, यानी कि डेस्कटॉप, यह डेस्कटॉप पर एक एक्सट्रैक्टर का एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है और यहाँ पर तमाम जितनी भी इसमें फाइल है इस फर्मवेयर में, वो यहाँ पर निकल आएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये कंपनी ने ये ऑप्शन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसके फायदे मैं बता देता हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस फाइल को निकाल के फ़ायदा क्या, क्योंकि ओप्पो रियलमी सेट ऑनलाइन फ्लैश होती हैं। तो फ्रेंड, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। इससे फ़ायदा ये है कि इस फाइल को आप निकाल के आप ISP प्रिंटआउट के थ्रू इसे फ्लैश कर सकती हैं। जैसे कि कोई सेट आया आपके पास हैंग ऑन लो, या फिर रिस्टार्ट, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, या फिर आपको अनलॉक करते समय या फिर किसी पर अनलॉक करते समय वो डेड हो गया, तो उस टाइम इस फाइल को निकाल कर ISP पिनआउट के थ्रू आप इजीली तरीके से इसे फुल फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा फाइल यहाँ पर निकल आएगा, और जो फाइल ऑफलाइन होगा उसको आप क्यूपिड टूल से भी फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर MBN फाइल को भी यहाँ पर दे रखा है, यानी कि फाइल उसको भी इसमें दे रखा है। तो ये ऑफलाइन भी फ्लैश हो सकता है, बट ऑनलाइन वाला सेट ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन वाला ऑफलाइन होगा। ये नहीं है कि इसमें ये फाइल हाउस दे दिया है तो ये ऑफलाइन फ्लैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है, फिनिश दिखा दिया है इसने।
तो इसकी जो फाइल है वो सारी यहाँ पर निकल गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी इसमें फाइल हैं वो सारी निकल चुकी हैं। अब इसे आप ऑफलाइन फ्लैश कर सकते हैं ISP पिनआउट के थ्रू, जो कि मैं यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ सिलेक्ट हो जा रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर फ्लैश फाइल तो सिलेक्ट हो पा रही है, बट यहाँ पर एक फाइल ऐड नहीं है। तो ये उससे हो जाएगा, ISP पिनआउट से हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ में इसमें फीचर दे रखा है अब UMT के QC5 टूल में। तो इसे फाइल निकाल के आप EMMC टूल से फ्लैश कर सकते हैं। वैसे EMMC का जो अगला अपडेट आएगा उसमें ये फीचर ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा QC5 में और UMT के टूल में भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको QC5 के टूल में ये ऐड कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।